अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपने चैनल की सारी हिस्ट्री बताऊंगा कि मैंने अपना चैनल कैसे क्रिएट किया और 4000 का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट किया और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद मैंने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, एडसेंस का जो है उसका एड्रेस कैसे वेरीफाई हुआ, कितनी देर में हुआ और कितनी देर बाद मुझे अर्निंग मिली है, कितनी अर्निंग मिली है, कौन से बैंक से मिली है, ठीक है, और उस बैंक ने मेरी पेमेंट कितनी काटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, मैंने अपना जो चैनल है वो अराउंड अबाउट पिछले साल जो ना वो मैंने मार्च में ये बनाया था। एक दोस्त था, उस दोस्त से मैंने कहा कि यार मुझे चैनल क्रिएट कर दो, बना दो, मुझे बनाना नहीं आता था, ठीक है। उसने मुझे चैनल बना दिया और चैनल का नाम उसने कहा कि कौन सा रखना है, तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी नाम बता दिया कि चलें ये रख दो, ठीक है। तो मैंने उस वक्त अपने चैनल का नाम टू द पॉइंट रख दिया और बाद में मुझे पता चला कि टू द पॉइंट इस नाम से तो काफ़ी सारे और भी चैनल्स हैं, तो फिर मैंने वो नाम चेंज किया, फिर मैंने कोई और रखा, ठीक है। तो अब जो है ना वो मैंने आसिफ ब्रेन अकेडमी जो कि एक स्पेसिफिक नाम है, इसके अलावा कोई और नाम नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे, जहाँ पे भी सर्च करेंगे आसिफ ब्रेन, तो आपको फौरी तौर पे मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक नाम की खसूसियत होती है, आपका स्पेसिफिक चैनल का नाम जो ना वो स्पेसिफिक है तो आपका चैनल फर्स्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किल से 8-9 माह में, आई थिंक 10 महीने मुझे लग गए, 10 महीने में मैंने अपने जो 1000 सब्सक्राइबर थे वो भी कंप्लीट किए और उसके साथ ही साथ मुझे 4000 का वॉच टाइम यूना वो भी कंप्लीट होगा हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं, आप लोगों की वजह से ही ये सारी मुझे मेरे चैनल पे इम्प्रूवमेंट आई है। देखिए, पहले मैंने फिज़िक्स स्टार्ट की थी और मैथ भी स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। तो हालात कुछ इस तरह से थे कि मैं एक बड़ी मुश्किल से 1-2 व्यू आते थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने काम करना है, करते रहना है, ठीक है। तो बीच में 1-2 महीने तो मैंने काम छोड़ दिया था, दिल नहीं करता था कि यार 5-10 वीडियो बना ली हैं अभी तक कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो फिर कहीं से मोटिवेशनल मिली, मैंने कहा नहीं यार काम जारी रखें, मैंने कहा चलें, मैंने काम जारी रखा, मैथ करवाता रहा और फिर मेरे माइंड में आया कि यार जो बीए की मैथ है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो ना वो 1-2 ने मुझसे पूछा कि सर हमें मैथ करवा दे, तो मैंने कहा आपको मैथ करवा देता हूँ। तो फिर मैंने वहीं से मतलब कि आप लोगों को मैथ बीए की मैथ करवाना मैंने स्टार्ट कर दी। तो उससे मेरे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि तकरीबन 1 ही हफ्ते में मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया, 1 हफ्ते में मेरा वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया और मेरे सब्सक्राइबर जो ना वो भी कम्प्लीट हो गए तकरीबन 1-2 महीनों में, पहले नहीं हुए थे, मतलब बहुत कम हो रहे थे। तो कंटेंट मैंने रेगुलरली फिर मतलब कि 8-9 महीनों के अंदर अंदर मैंने तकरीबन 150 के करीब जो ना वो मैंने 200 के करीब ये अपनी वीडियोस अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फिर मैंने मतलब कि 2 महीने निकाल दें उसमें क्योंकि मैंने वर्क ही नहीं किया, उसके बाद जो ना बाकी महीनों में मैंने डेली बेस पे 1-2 वीडियो कभी नहीं भी करता, मतलब कहीं बिजी होता हूँ, काम वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी। तो ये सारा 9 से 10 महीने में मैंने ये कम्प्लीट कर लिया। उसके बाद चैनल जो ना मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया, दूसरे दिन ही बल्कि उसी 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि मेरी अपनी क्रिएशन थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि एडसेंस का अकाउंट भी क्रिएट करना है। उसके बाद एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, मतलब कि फिर सारा काम मैंने खुद ही किया, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने फिर खुद ही सीखी, एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पर अपने चैनल को लिंक किया, फिर एडसेंस $10 हुए। उसके बाद एडसेंस का जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो मैंने अप्लाई किया, तो एडसेंस जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो तकरीबन मेरे अराउंड अबाउट 3 महीने पूरे लग गए थे, ठीक है, कि वो एड्रेस जो ना उसका जो लेटर है वेरिफिकेशन का वो मेरे पास नहीं आया, तो इस वजह से 3 महीने लग जाते हैं, तो 3 महीने वहाँ पर मेरे लग गए। तो उसके बाद जो है ना एडसेंस का अकाउंट मेरा जो है ना वो वेरीफाई हो गया, एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, सब कुछ ओके हो गया। उसके बाद अब मेरे माइंड में आ रहा था कि यार बैंक कौन सा लिंक करूं एडसेंस में, क्योंकि पेमेंट निकालनी थी। तो उस वक्त कोई कह रहा था कि UBL, कोई कह रहा था अल हबीब, कोई कह रहा था MCB, कोई कह रहा था मिज़ान बैंक,
तो मेरे जो करीब था वो यूबीएल, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यूबीएल ने भी पैसे काटने शुरू कर दिए, तो मैंने कहा चले यार यूबीएल में रहने देता हूँ। मेरे करीब था मिज़ान बैंक, मैंने मिज़ान बैंक में पहला एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया, मतलब वहाँ पे मैंने पेमेंट जो ना के लिए अप्लाई किया। तो वैसे यही है कि जैसे ही 21 तारीख आई तो मुझे मतलब टेंशन हो रही थी कि यार पता नहीं पेमेंट मुझे मिलेगी भी नहीं। घर वाले भी यही कहते थे कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपने इतना वर्क कर लिया, मतलब कि 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद 1.5 साल में मेरी तकरीबन 250 से ऊपर मेरी वीडियोज़ हो चुकी थी। तो वो कह रहे थे कि आपने इतनी मेहनत की, आपको पता नहीं पैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे सारे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि पैसे तो मिलेंगे। तो जैसे ही मेरे $100 से ऊपर हो गए थे, तो उस वक्त मैंने बैंक जो ना वो अकाउंट अब क्रिएट करवाया। बैंक अकाउंट जो ना वो बनाने के बाद मैंने वहाँ पर लिंक किया। तो उसके बाद मुझे 21 से 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25 तारीख तक मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, जो कि प्रॉब्लम हो रही थी हर एक क्रिएटर को, यार एडसेंस की तरफ से इस दफ़ा मैसेज नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, 26 तारीख है, 26 तारीख तक मैं वेट करूँगा। तो 25 तारीख को मुझे, 26 को ही मुझे मैसेज आया कि आपकी जो पेमेंट है वो बैंक में रिलीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने कहा पता नहीं बैंक वाले देंगे या नहीं देंगे, प्रॉब्लम बनती है लेने में भी। तो फिर मैंने खुद घर बैठ के अपने बैंक अकाउंट ओपन किया और चेक किया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी पेमेंट आ चुकी थी। तो मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो $113 से ऊपर थी, और राउंड अबाउट इस दफ़ा मेरे जो बैंक है, बैंक ने तकरीबन 4,000 रुपये मेरी कटौती किया, और बहुत ज़्यादा उसने मतलब कटौती कर ली। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इस दफ़ा मैं अल हबीब बैंक या फिर MCB बैंक, इनमें से कोई एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा, वहाँ से चेक करूँगा कितनी पेमेंट वो काटते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा सारा तरीकाकार, मैंने A to Z खुद सीखा है। मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, टैग्स लगाने नहीं आते थे, टोटली चीज़ें मुझे नहीं आती थी। मैंने डेली बेस पे मतलब कि ये सारी चीज़ें मैं खुद सीखता था यूट्यूब पे, और वहीं पे मैंने एक साथ देखता, दूसरी साइड पे जो ना वो मैं खुद बनाता था। मतलब कि अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो थंबनेल बनाना मैं खुद से एक कोरल ड्रा पे बनाता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आसान लगता है मुझे कोरल ड्रा पे बनाना। तो इसलिए मैं वहीं पे अपना जो थंबनेल बनाता हूँ, और मुझे आसानी भी है और ख़ूबसूरत भी बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक तो ये है, फिर उसके बाद मेरे माइंड में आया कि यार यूट्यूब से मुझे तो पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके बाद मैंने वेबसाइट बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट भी 1 महीने में मैंने सीखी भी है और बनाई भी है, और साथ ही साथ उसका मुझे अप्रूवल भी मिल गया एडिसन्स का, और मेरी अर्निंग वहाँ से भी स्टार्ट हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इससे और क्या चीज़ हो सकती है कि मैंने 1 महीने में सीखा भी और उस पर उसका एक्सपर्ट भी हो गया हूँ 1 महीने के अंदर अंदर, और मुझे अप्रूवल भी मिला है और उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। asbrain.com के नाम से है मेरी वेबसाइट भी, asbrain यूट्यूब चैनल भी है, asbrain अकेडमी के नाम से मेरे ट्विटर अकाउंट भी है, उसके बाद इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, और मेरी जो वेबसाइट है वो भी है asbrain.com, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी मेरी हिस्ट्री, आप लोगों ने जाना, और तकरीबन 1.5-2 साल लग गए मुझे ये पेमेंट लेने में। और अब इस वक्त मैं मंथली तकरीबन 20,000, 25,000, 30,000 भी निकाल सकता हूँ, इतने तो मैं ले सकता हूँ यूट्यूब चैनल से। लेकिन इसके साथ जो ना अब जो वेबसाइट है, वेबसाइट से भी इंशाल्लाह मेरी अर्निंग अच्छी खासी होगी आप लोगों के तावन से, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।